अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज जैसे आपको पता है आज मैं आई हूँ 12 क्या टाइम हो रहा है आज 1:30 बजे और धूप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुकी है। और धूप निकलने के बाद जो है मैंने सोचा चलो वर्क प्लेस पर जाके देख लेती हूँ। तो वर्क प्लेस का जो है पानी वगैरह तो निकल गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेट टेक्सचर है के अब मैं क्या सोचूँ, मेरा समझ नहीं आ रहा कि मैं बनाऊँ क्या क्या करूँ। और फिर दूसरे वाले वर्क प्लेस पर जाके देखते हैं। तो दूसरे वाले वर्क प्लेस पर भी क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी आज फजर में हुई है। और ये देखिए खैर से धूप यहाँ पे आई है तो पता नहीं अभी कितनी देर ड्राई के साथ साथ ना एक तो मैंने याद है पूरा वीक लगा के मैंने शिफ्ट किया था। मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि अजान हो रही है अजान के बाद मिलते हैं। हाँ तो जी अजान हो चुकी है। पहले मैंने सोचा ये स्लैब सुनाती हूँ फिर मैंने सोचा ये छोटे वाली शेप सुना के देखती हूँ लेकिन जो है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। ठीक है और यकीन करें कि मुझे कितना बुरा लगता है जबकि किसी भी लेक्चर का ये देखें कि मेरा येलो ग्रीटी था इसमें रेड ग्रीटी इसकी वाली रेड ग्रीटी यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ भी आइए फिर देखिए और वहाँ भी अल्लाह मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आता है जैसे कुछ हो जाए ऊपर से निकालती हूँ थोड़ा वो। ये देखिए वाइट ग्रीटी जो लोग मुझे कहते थे ना कि नहीं पता नहीं चल रहा कि कौन सा है क्या है तो आप देख सकते हैं पता चल रहा होगा यकीन यार। और दूसरी थिंग ये कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी यार। देखो मैं इतनी डिटेल वीडियोस बनाती हूँ कुकर वाला गया तो उसके बावजूद अगर आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है एक हम इतनी मेहनत से बना रही हैं फिर एडिटिंग करना फिर उसे अपलोड करना और फिर आप लोग उसी वीडियो पर वही कमेंट कर देते हैं या किसी और वीडियो पर कमेंट कर देते हैं कि कैसे हुआ है वो कैसे हुआ। लेकिन करें मैंने चैनल को बनाया मुझे मेरे ख्याल में 1.5 साल हुआ है और मैं 1.5 साल में कितनी मटो बता चुकी हूँ। मैं रेड ग्रीटी कहाँ से ले चुकी हूँ मैंने ये मतलब कहाँ से मैंने अपने टेक्सचर्स वगैरह लिए हैं मैं बहुत मटो में बता चुकी हूँ। अब फिर मुझे कोई बोलता भाई ये रेड ब्रिक्स रेड सेट आपने कहाँ से ली रेड सेट आपने कहाँ से ली। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो है एक भी कितनी बार बताया कि कराची में मुझे अब तक रेड सेट नहीं मिली तो मैंने मुझे रेड ब्रिक्स मिली थी जो कि मैंने रेड ब्रिक्स को क्रश करके सब कुछ मैंने खुद से हैंडमेड बनाया है। ये ब्रिक्स को क्रश करने के बाद जो है इस तरह से जो चंक्स रह गए मतलब रह नहीं गए मैंने खुद छोड़े ताकि मैंने ग्रेटी बना सकूँ ग्रेनी बना सकूँ इनकी ग्रेन्स बना सकूँ। चार दिनों में सबको क्रश कर सकती थी लेकिन मुझे ग्रीटी भी नहीं मिली और मिलने की बात तो यार देखो तुम्हारा शहर मिल सकता लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं था मुझे लाकर कौन देता। तो जब मुझे किसी ने लाकर ही नहीं दी फैमिली में किसी ने इस तरह सपोर्ट नहीं किया कि भाई वो मुझे चीज़ें लाकर देते तो मैंने खुद ही ब्रेक जो थी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हमारे घर में जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और जिसकी वजह से मैंने क्या कहते हैं ये सैंड मुझे इत्तेफाक से वहाँ से मिल गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया मतलब पूरी दीवार जब टूटी थी मैं आप लोगों को अब फिर डिटेल बता देती हूँ उस दीवार को तोड़ के उसे मैंने क्रश करके सैंड बनाई। सैंड बनाने के बाद जो है वहाँ पे काम हो रहा था तो रेड ब्रिक्स जो टाइलें होती हैं जब हम टाइल्स यार्स वाली छत डालते हैं तो वो वाली टाइल्स मुझे मिली है तो उन्हें मैंने क्रश करके रेड सैंड बनाई। फिर उसी को मैंने रेड ब्रिक्स बनाई रेड ग्रेनी रेड ब्रिक्स से रेड ग्रेनी रेड ग्रीटी बनाई। ये भी जो मेरे पास है ना ये वाली ये भी रेड ही है। ठीक है ये भी आई थी अच्छा ये भी मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो ये सैंड डली हुई है ना ये तो एशेज़ है रेड ग्रेनी ग्रेटी मिक्स एशेज ये सीमेंट है मेरा सीमेंट वाला टेक्सचर था। ठीक है मेरा सीमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और हैंड मेड टेक्सचर था तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया ये वाली जो येलो सैंड है तो ये वाली येलो सैंड ये मैंने जो है समंदर से मैं लेके आई हूँ। और समंदर की जो सैंड होती है कराची में सबको पता होगा कराची में समंदर है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है तो वहाँ से मैंने सैंड उठाई थी। और मुझे वो अब मुझे याद भी नहीं है कि मुझे किस हिसाब से मिला था वो थैला आई थिंक 200 या 300 के हिसाब से मुझे एक पूरा वो जो थैला होता है ना जिसे हम बोरा कहते हैं या कट्टू कहते हैं या बड़ा बैग कहते हैं आटे वाला तो वो मैं बहुत सारे लेके आई थी मेरा किराया और बहुत सब कुछ लगा के और वो हमें फ्री में नहीं मिली थी। फ्री में क्यों नहीं मिली थी कि वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आगे मत जाए उन्होंने मुझे उठाते हुए देखा मुझे लग रहा था कि फ्री में देंगे तो उन्होंने कहा यहाँ से ये सैंड उठा के नहीं लेके जा सकती मुझे ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत है ना छोटा सा शॉपर तो शायद आप भेज देते लेकिन आप सैंड उठा के लेके जा रही है किसी और ने देखे तो वो हमसे सवाल करेंगे तो मैंने कहा ठीक है आप उससे जो है पैसे ले लें तो फिर उन्होंने मुझे पैसों के हिसाब से दी थी। अच्छा रेड अपनी सैंड के बारे में बता दिया और इससे पहले मेरी जो सैंड आती थी वो मुल्तान से आती थी मुल्तान में जो है मैंने जब भी जाती थी तो थोड़ी बहुत जितनी उससे होता था वो ले आती थी। ठीक है मुल्तान से आई है मेरी और बाकी मैंने कराची से ली सीमेंट मैंने परचेज़ की वाइट सीमेंट मेरे पहले बहुत सारे टेक्सचर थे ब्राउन सा ऐसा था कि रेड के साथ ना मेरी क्या हुआ था सीमेंट मिक्स हो गया तो उसे मैंने ब्राउन बना दिया था। तो अब जो है तो ये वर्क प्लेस थी अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी कोई शेयर सुनाऊँ फिर सोच रही हूँ छोड़ो ऐसे ही छोड़ देती हूँ अब देखो मैं क्या करती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर हम जो है
इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, देखें, और वीडियोस को यार कोई भी आपने पूछना हो। साइकिल पता है मैं इतनी ज़्यादा, मुझे तेज़ बारिश थी, थोड़ी बहुत बारिश हुई, मेरे टेक्सचर्स नहीं गीले हुए, तो ये जो है ना ये वाली शीट, ये इसमें कीलें लगी हुई थी, ये बाकायदा उतर गई, उतर के इतनी हवा थी उतरने के बाद, ऊपर से इतना मतलब साइडों से जालियों से इतना पानी आया, छत लीक नहीं हुई लेकिन इस कदर पानी था तो पूरी मेरी शेप सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। रेड शेप्स इतनी प्यारी थी, वेट थी जैसे ये वेट है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल चूर चूर हो गया, तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाती हूँ कि यार ये क्या हो गया। आप सोचें ना, अगर छत ना हो और फिर बंदा बोले गीला हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन कराची में या तो बारिश होती नहीं, होती है तो इतनी होती है कि ना मतलब चारों तरफ से होने शुरू हो जाती है, गलियों का तो हाल बुरा है, और खैर क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला की रहमत है, हमें कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन ये जो पीटर होता है ना रेनी और विंटर एस्मा आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं साबित होता, और क्योंकि हमारे टेक्सचर बहुत मुश्किल से ड्राई होते हैं, और सबसे बुरी बात मुझे ये लग रही है कि मेरा टेक्सचर सारे ड्राई थे 3 हफ्ते की, मैं ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड करके जा चुकी थी, मैं ऐसा करती हूँ 2 हफ्ते में आती हूँ तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर हर रोज़ आके टेक्सचर्स बनाती रहती हूँ ना, तो एक साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, जाहिर है यार सर्दी में मिट्टी मिट्टी होकर रोज़ रोज़ इंसान नहा नहीं सकता, तो मैं ये कर लेती हूँ। तो फिर क्या करती हूँ, क्या कहते हैं, अब मेरी ना वीडियोस में बिजी थी काफ़ी, तो मैं वरना 2-3 डाल रही थी रिकॉर्ड करके, मैंने इस मरतबा क्या किया, एक एक डाल रही थी ना, और एक शॉर्ट डाल रही थी, तो इस हिसाब से मेरी बहुत सारे मतलब 3 हफ्ते गुजर गए आराम से, क्योंकि मेरे टेक्सचर्स काफ़ी सारे, और मैं मतलब दूसरे हफ्ते आ ही नहीं गई क्योंकि मैं आ नहीं सकी, मेरे पास टाइम ही नहीं था, और बहुत सारा तो ये सारा ड्राई था, और अभी तक ड्राई था फ्राइडे तक, और फ्राइडे की नाइट इतनी बारिश हुई शायद मैं ऊपर आ सकती, लेकिन हम शादी में गए हुए थे, मैं ऊपर आ ही नहीं सकी, मैंने देखा ही नहीं कि मैं आती तो शीट वगैरह डाल देती, वैसे तो कभी भी शीट वगैरह मैंने नहीं डाली और ना मेरे पास है, लेकिन ऊपर से ना मतलब एक शॉपर है वो भाई से डलवा लेती, भाई लोग कोई भी घर पर नहीं था तो किसी को पता ही नहीं था, बारिश इतनी तेज़ हुई, और जब हम आए सुबह ही आई हूँ क्योंकि मैं ऊपर, तो यह हाल था। खैर अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कोई बात भी तो उसके लिए हम सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब जब तक ये रहनी है तो आपको डेली डेली व्लॉग्स ही मैं दे सकती हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।